तमिलनाडु की बैट्समैन है और उनको अगर आगे कोई बड़ी भूमिका मिलेगी तो तमिलनाडु में मिलेगी। अभी फिलहाल उसको कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, कोई प्रयास नहीं किया मिनिस्टर बनने के लिए। ये बिल्कुल चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और कीर्तिवर्धन जी शपथ, और ये ईमानदार है, राज परिवार से एकदम ईमानदार व्यक्ति है, बहुत जमीनी काम अच्छा है एकदम इनका। प्रधानमंत्री के यहाँ जो चाय पार्टी थी, जबकि एकदम सरप्राइज हो गए इनको जब फोन मिला, फोन आया जब इनको, ये तो कल थे भी नहीं, कल वाले उसमें परसों वाले नहीं कल ही आए यहाँ पे। आज वाले जो कार्यक्रम था सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोक कल्याण मार्ग, वहाँ भी नहीं थे, सबको बुलाया गया था, उसमें ये भी नहीं थे, इसीलिए इनके नाम की चर्चा भी नहीं हुई। बाद में जो इनको चिट्ठी राजीव गौबा होम सेक्रेटरी की तरफ से जो भेजी गई थी वो मीडिया के पास आई, तब पता चला कि कीर्तिवर्धन सिंह भी जो हैं उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। और जैसा हम कह रहे थे ना कि राजनाथ सिंह एक ठाकुर बिरादरी से हो गए और दूसरे कीर्तिवर्धन सिंह, तो ये पंकज आप बताइए क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बैलेंस करने के लिए कीर्तिवर्धन सिंह को लाया गया है क्योंकि उनको मंत्रिमंडल में? ऐसा ऐसा इसे नहीं समझा जाना चाहिए। उस बेल्ट में अगर आप देखें तो फैजाबाद में लल्लू सिंह की हार हो गई, उस पूरे बेल्ट में एक ठाकुर बिरादरी को देना जरूरी हो गया था, ऐसा लग रहा था। क्षत्रियों की नाराजगी जो बताई जा रही थी उसको भी डाइजेस्ट करने को, उसको देखते हुए इनको जगह मिल रही है क्या? हाँ, क्योंकि जौनपुर में कृपा शंकर सिंह भी हार गए, उधर प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी हार गए, तो आपके पास बहुत ज्यादा ठाकुर समाज के रूप में विकल्प नहीं बचता था। इनके पास एक था कि जगदम्बिका पाल भी थे जो लगातार चुनाव जीत रहे थे 14 से लेकर के, लेकिन नाम भी था, लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह पर भरोसा किया गया। इनके पिता राजा आनंद सिंह होते थे, वो यूपी सरकार में मंत्री थे, बड़े पढ़े लिखे परिवार से, और 5 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार SP, 3 बार BJP। कौन है? बीएल वर्मा।